बिल्कुल होने वाला चटपटा सा पिज्ज़ा। अब यार भाई हमें पहाड़ी बंदे स्ट्रॉ स्ट्रू से मजा नहीं आता, हम पियेंगे डायरेक्ट ऐसे। आहा तो दोस्तों यार ये कुछ सेटअप है, ये अभी साइड में करते हैं, और अपना बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है शायद, इसको भी अभी साइड में करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम अपना ऑर्डर लेने आए हैं यार। अभी भाई से ऑर्डर लिया, वो तो चले गए, और हमने अपना ऑर्डर ले लिया है, देख सकते हो आप। यार आज हमने कॉम्बो मंगाया है जिसमें कि मुझे शेक मिला है, बनाना शेक है, और अपना एक कोल्ड ड्रिंक है, और एक इसमें स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा है और बर्गर है। तो अब यहाँ मैं नीचे ऑर्डर लेने आया था और ऑर्डर ले लिया है। अब चलते हैं रूम की ओर। जैसे कि आपको पता है मैं नीचे आता हूँ, और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं पंथा घाटी रहता हूँ, और यहाँ से ऑर्डर लिया, और ये सामने टेंजिन है, देख सकते हो आप, टेंजिन हॉस्पिटल है, और ये कुछ पंथा घाटी है। और बस चलते हैं रूम के लिए, चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से मेरे रूम का रास्ता है, देख सकते हो आप। और दफ़ा की तरह यहाँ पे डॉगी वगैरह सोए रहते हैं, अपना धूप का नज़ारा लेते रहते हैं। और यहाँ से थोड़ी अपस्टेयर्स है ऊपर के लिए, थोड़ा रास्ता यहाँ से ख़राब है, और अब चलते हैं रूम की ओर। तो दोस्तों यार ये कुछ सेटअप है, ये अभी साइड में करते हैं, और अपना बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है शायद, इसको भी अभी साइड में करते हैं, और अपने पिज़्ज़ा निकालते हैं। पिज़्ज़ा कैसा है यार? आई लव पिज़्ज़ा। वैसे अनहेल्दी होता है, बट यार कभी कभी खाते हैं यार, हर रोज़ तो नहीं खाते हैं। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है गाइस पिज़्ज़ा। ओ माय गॉड यार, स्मॉल साइज़ है, बट यार आप देख सकते हो उसमें स्लाइसेस 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइसेस है यार। एक बंदे के लिए तो बहुत इनफ है यार, मुझे नहीं लगता मैं इतना खा पाऊंगा। अब इसमें ऑर्गेनो वगैरह डालते हैं जल्दी जल्दी से। अब इसमें गाइस ऊपर से ये भी डालते हैं, अपना टोमेटो सॉस भी डालते हैं। हाँ मिर्ची देखो गाइस, मैंने इसमें कितनी मिर्ची डाल दी है। बिल्कुल होने वाला चटपटा सा पिज़्ज़ा। अब यार इसको निकालते हैं। वैसे अभी ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है, गर्म है वैसे भी यार। ये देख सकते हो ये पिज़्ज़ा यार। अब देखो यार, देखने से कितना डिलीशियस लग रहा है यार। मैंने काफ़ी सारे पिज़्ज़ा के रिव्यू करे हैं, बट ये काफ़ी डिलीशियस है, और प्राइस यार सुनोगे ना आप यार, बहुत ही सस्ता है यार। अब इसे तो ये है हमारी फर्स्ट बाइट पिज़्ज़ा की। अभी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, तो जल्दी जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। अगर ठंडा हो गया फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। आहा भाई, एक नंबर। स्पाइसी हो रखा है यार, और इसमें हमने चिली फ्लेक्स ना भर भर के डाली थी, और ऑर्गेनो भी भर भर के डाला ऊपर से, सॉस और पिज्जा का अपना मजा। मैंने यार इसमें अंदर से ना इन्होंने पिज्जा सॉस वगैरह अच्छे से डाल रखी है, ये देखो, और चीज भी अच्छे से, और ऊपर से मतलब जो टॉपिंग होती है ना पिज्जा की यार, वो प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि हम सस्ता दे रहे हैं तो निपटाने वाली बात करो, वो नहीं है, एकदम प्रॉपर पिज्जा है। मजा आ गया, और साथ में कोक भी लेते हैं, ये अपनी कोक। कोक के साथ यार पिज्जा का मजा आ जाता है, एक नंबर। और इसके बाद हम अपना बर्गर ट्राई करेंगे, ये अपना बर्गर, आलू टिक्की बर्गर। इसका बाद में दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन सी सॉस डाली है, और साथ में बनाना शेक भी पियेंगे। बनाना शेक मुझे काफी पसंद है। और अपना पिज्जा खत्म करते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है यार, फिर वेस्टेज हो जाती है। वेस्टेज नहीं करनी है फूड की, उतना ही खाओ जितना आप खा सकते हो। तो दोस्तों अपना बनाना शेक ट्राई करते हैं अब। भाई हमें पहाड़ी बंदे स्ट्रॉ स्ट्रू से मजा नहीं आता, हम पियेंगे डायरेक्ट ऐसे। आहा लाजवाब। तो दोस्तों बनाना शेक के बारे में बताऊं तो केले भर भर के डाल ले है। आई थिंक इसमें कम से कम 2 केले डाल ले है, जिस तरह इसका टेक्सचर लग रहा है काफी थिक है, और ज्यादा मतलब शुगर भी नहीं है, काफी मीठा भी नहीं है, मतलब प्रॉपर है।
काफी अच्छा है यार। अब इसे भी साइड में करते हैं, अब बर्गर ट्राई करते हैं। बर्गर दोस्तों बर्गर आ गया है, ये देख सकते हो आप, बंद कुछ इस तरह का है, काफी बड़ा भी नहीं है ना काफी छोटा है, ठीक है ये है बंद। और साथ में अब जब हम बंद को खोलते हैं तो अंदर कुछ सॉसेज डाली गई है, जैसे कि इसमें सॉसेज होती है मेयोनीज़, टमाटो एंड तंदूरी सॉस वगैरह कहती है, ठीक है उसे साइड में रखते हैं। और अंदर टिक्की है, ये शायद आलू टिक्की है, ये छोटी सी टिक्की, मतलब जितना बंद है ना अपना उतनी टिक्की है इसमें, मतलब अंदर ज़्यादा सॉसेज वगैरह नहीं है। अब टेस्ट देखते, एक प्याज का पीस भी डाला है अंदर, देखते अब कैसा रहता है टेस्ट। मैंने टेस्ट किया, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, हमें तो बस टेस्ट चाहिए टेस्ट। दोस्तों बन सॉफ्ट है, ठीक है जब आप बर्गर खाते हो तो बन सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब एकदम से आपके मुंह में आए, और टिक्की अंदर से क्रिस्पी होनी चाहिए, बन मतलब बर्गर की भी पहचान होती है, बंद आपका सॉफ्ट अंदर से अपनी टिक्की क्रिस्पी, इसमें भी वही है, बन सॉफ्ट है अंदर से टिक्की क्रिस्पी है। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी होगी आपने, तृप्ति से मंगाया था बर्गर, वो तो बिल्कुल ही खराब था, उसके अकॉर्डिंग ये बर्गर अच्छा है। मैं बस इनको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा एज अ कस्टमर, आप बर्गर में मतलब बर्गर आपका अच्छा है, बस थोड़ी सी ना अंदर से सॉस की क्वांटिटी बढ़ाइए, इसमें सॉस मतलब बहुत कम आ रहा है, बाकी बंद आपका एक नंबर है, बहुत बढ़िया। तो अब इसे खाएंगे हम थोड़ी देर में, ये है कुछ बर्गर। यार पहले टिक्की का स्वाद कम आ रहा था, क्योंकि ना पहले स्टार्टिंग टिक्की पीछे चल गई थी थोड़ी, अब टिक्की का स्वाद आया, आए हाय मेरे में यार मज़ा आ गया। बस मैं इनको यही बोलूँगा थोड़ा सा इसमें सॉस की क्वांटिटी बढ़ाए अंदर, फिर आपका बर्गर चार चार लग जाएगी, पूरा शिमला में मैं बताऊँ आपको बर्गर फेमस हो जाएगा रातों रात। तो अब आपको बताता हूँ कि ये सारा सामान मैंने कहाँ से मंगाया, ये है अपना जैरो करके, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके बारे में, बट ये कॉम्बो मैंने आज ही पहली बार मंगाया है, ये BCS से मंगाया है, BCS में इनका है आउटफिट। तो ये मुझे मिला एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा स्मॉल साइज है, बट पीसीस काफ़ी अच्छे थे, मैं मीडियम ही बोलूँगा उसको, इन्होंने तो स्मॉल साइज रखा है उसका नाम, और अपना बनाना शेक, और अपना एक ये क्या बोलते इसको कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, ये मुझे पड़ा है टोटल 235-236 के करीब था सारा। तो 235 में आपको बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, शेक मिल रहा है, साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो क्या चाहिए और यार, आपको पता है शिमला कितना कॉस्टली है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका काफ़ी अच्छा है, आप ये मंगा सकते हो अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, या वहाँ जाके भी खा सकते हो, अपने घर पे भी मंगा सकते हो, तो फिर थोड़ा सा बर्गर बचा टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, जय श्री राम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।